ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕੇਜ ਲੂਕੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਚੜਾ ਤਾ ਲਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਜੇ ਆ। अच्छा मछली बेचते हो आप? मछली पकड़ते कहाँ से? ऊपर समुद्र से? यहाँ से? ब्रह्मपुत्र से? हाँ कहाँ से? मैं यार स्पीड कहाँ पे लिखी उसकी, कितनी स्पीड? ये वाली क्या चीज है? गियर ने कितने गियर होते हैं इसमें टोटल? चक रसगुल्ले चाह पीन लगे हैं। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, स्वागत करदे आं नवें ब्लॉग नवीं वीडियो दे विच। असीं खड़े हां जी नॉर्थ ईस्ट ते ब्लॉग हैगा दूजा, तरीक हैगी अज 26 मार्च 2023। 26 मार्च 2023 अज तरीक है ते दिन हैगा जी अज ऐतवार। ते बाईआं ने कहा सी वी तरीक दस दिया करो जां डेट दस दिया करो, कई कई वारी असीं भुल जांदे आं। नॉर्थ ईस्ट दा अज अपना इह दूजा दिन आ ते इस टाइम आपां खड़े हां जी धुबड़ी, तो धुबड़ी तो आप जाना जी तुरा। तुरा एक जगह पैंदी है, वो डेस्टिनेशन अपनी, उत्थे तक आप पहुँचांगे। तो फिलहाल पिछे रेहड़ी तो आप हुण चाह पीन लगे हैं, गुरु घर चो मत्था टेक के आए हैं। सवेर का टाइम होया 7:30 बजे ने बाई और ने असल दे विच ना अज दा जिहड़ा अपना सफर आ उह किश्ती दे विच होण जा रहा, बोट दे विच होऊगा। तुसीं देख भी लिया होना मूहरे, आप क्लिप ऐड किए ने उस बोट दे विच। अज आप चलांगे तो अपना मोटरसाइकिल भी उस बोट दे विच जाऊगा। 22-23 किलोमीटर का सफर आ कि नाल नाल अपने बंगलादेश का बॉर्डर होगा। फिलहाल आप मोटरसाइकिल बोट के बच्चे चढ़ाते ने ते हुण चाह पी के 8 बजे बोट चलूगी। तो बोट के बच्चे का रंग ढंग सू दिखाने आप, टिकट कितनी लगती है सू भी दस दें। आप पहली बारी एडा लंबा सफर तो एडी देसी किश्ती दे बहन लगे हाँ, क्योंकि जो आप बहने ना किसी होर बोट के लाइव जैकट पा के बिठाते हैं। इतने लाइव लूव जैकट वाला कोई हिसाब किताब नहीं, जो डुब गया डुब गया, जो बच गया बच गया। मिनी बस पूरी लद के भर के लैके जाते हैं जिवें तूड़ी वाली ट्राली भरी होंगी। भाई किन्ने पैसे हो गए? कितने पैसे हो गए? 10 रुपए। ये लो इधर भाई, सवेरे सवेरे आलू चना, आलू चना, आलू चने की सब्जी तैयार करके भाई पूड़िया की रोटी आ। अच्छा रोटियां बनाऊगा तो भाई फिर रोजगार करूंगा। क्या करता है? क्या मैं मछली बेचता हूँ। अच्छा मछली बेचते हो आप? हाँ। मछली पकड़ते कहाँ से? ऊपर समुद्र से? यहाँ से? नहीं, ब्रह्मपुत्र से? नहीं, हाँ कहाँ से? मैं पकड़ता नहीं हूँ, मैं खरीद के बेचता हूँ। अच्छा खरीद के बेचते हो, किससे खरीदते हो? जो नोक वाला है मछली बेचता है। अच्छा जो नोक वाला मछली फड़ करके लेके आता है उसको आप आगे बेचते हो? मैं खरीद के बेचता हूँ। खरीद के बेचते हो, कहाँ बेचते हो? इसी शहर में? अच्छा यहीं बेचते हो कहीं? क्या नाम है आपका? खोकनदास। ठीक है ठीक है, कुछ और कहना है तो बत बोल दो। अब कुछ भी बोल दो, मच्छी के बारे में बता दो कुछ। ये कहाँ जाएगा? हमने जाना है तुरा। ये फिर फोटो तुल रहे हो, ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा यूट्यूब के ऊपर काम करेगा। अच्छा यूट्यूब के ऊपर आएगा, आपको फेमस कर देंगे, मच्छी बाजार आपका तगड़ा कर देंगे। ठीक है खोकनदास, ठीक है जाए अब हम। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये सी जिंद आप हमने गल की संवाददाता खोखरदास है जी। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बंदा फेमस होना चाहिए सारे नहीं। तो किश्ती दे विच ना मोटरसाइकिल चढ़ाना सी ते उहदे वास्ते बाइक जिहड़ा समान बन्नया होया सानू खोलना पैंदा, क्योंकि उहदे नाल फिर अनबैलेंस नहीं हुंदा काम। ते सानू दिखावां फट्टे दो ने यार, बाई होरे किन्ने ट्रेंड होणगे है ना, ये देख ला। जे साडे अरगा होवे सीधा विच सट ले, आ दो फट्टे ने, एक दे उत्ते बाई आप चलूगा तो एक दे उत्ते मोटरसाइकिल चलूगा। वो ले आउंदे ने हजे, मेरे उन्होंने पहला चाढ़ता उदो मैं समान खोलिया असी, तां करके हुण सुखी वाले की बना रहा मैं वीडियो। आ दे आ देख यार, ये बंगलादेश वाले पासे सारे कितने आए जे आ। वह सामने आ गया, उन्होंने ये भी कहा भाई ने परे हो जा क्योंकि ट्रेंड ने बंदे ये आदि और टप गया। तो मोटरसाइकिल चढ़ाने वास्ते जो बंदे अड्ड पैसे लेंदे ने वो चलिया भाई उस्ताद जी पहला मोटरसाइकिल लैके छेती लंघे सी उस्ताद जी, हौली हौली चले सी। ते जिन्निया आ इधर रेहड़िया ने, रेहड़िया के उत्ते हदवाने रखे हुए ने, यह सारा माल अपने बोट के जाऊगा। वो बोट लद ली जिदे आप जाना, ये एक तरह का बस वाला काम करता, जिम्मे एक थान तो दूजी थां ते बस जाती है 50-50 रुपए लैके 60-60 रुपए लैके। तो उवें भी यह जी ब्रह्मपुत्र नदी पैंदी आ, टापू बने हुए ने आले दुआले,
ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਾਊਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੋਟ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਤੇ। ਚਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਤੇ ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਰੂਟ ਹਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਐਂ ਚਾੜਦੇ ਨੇ। ਆਦੇ ਉਹਨੇ ਚਾੜਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ। ਆਦੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾ, ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੜਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਨਦੀ 'ਚ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਆ ਯਾਰ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਈ ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਛੇਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮਾਰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਰੂਗੀ। ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਓਏ। ਆਹੋ ਦੇ ਇਹ ਲੱਕੜ ਜੀ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਹਾਰਨ ਵੱਜ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਵਾਟਰਮੈਲਨ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਗ ਰੱਖਤਾ, ਇੱਧਰ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਰ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਮਾਨ ਆ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿੱਚਦਾ ਰੱਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਐ ਹਦਵਾਨ ਐ ਹਦਵੂਨ ਐ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਇਹ, ਜੀ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਬੋਰਾ ਹਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋ ਬੋਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਜੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕੇਜ ਲੂਕੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਚੜਾ ਤਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਗ ਦੂਰ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ, ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣੇ 3 ਘੰਟੇ, ਉਹ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੜਕੇ 8 ਵਜੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ 11:30-12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 4-5, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਟਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਕੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਵਰਤ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੰਘ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਊਗਾ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਫੀਜ਼ੁਲ ਹੈ। ਹਫੀਜ਼ੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨੇ। ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ BSF ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਧਰ ਫੌਜੀ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਐਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਲੱਦ ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਪਏ ਨੇ। ਉਲਝ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੰਮ, ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ? ਬਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜਾਊਗਾ। ਗਾੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ 2 ਗਾੜੀ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਨੀ ਹੈ। ਉਲਝ ਗਿਆ, ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਬਾਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਪੱਕਾ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਹੋਣਾ।
फिर उलझ गया काम, खासी गलबात हो गई। हमें बता दो कितने हो गए, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़ा लंबा सांस लैन तो बाद कैलकुलेशन करके लंबा सांस लैन तो बाद ते हुण भाई मुड़े ने 70 रुपये, मतलब अपने लगे ने 430 रुपये। ठीक है, अजे होर मुड़ूगा ये वाला, एक गाड़ी उधर खड़ा है, दो खड़े हैं, मतलब 430 रुपया दे विच दो बंदे ते दो मोटरसाइकिल ने। असीं मूर नूं चले ते डबल डेकर आ यार, उपर दे छत पई हुई आ ते थल्ले वी लोक इहदे बैठे ने, पौड़ियां उतरदियां ने। ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਲੌਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਟੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਊ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੋਟ ਟੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਟ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ A to Z ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਦੂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟ ਦਾ ਟੂਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ ਆਹ ਬੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਬੋਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਬੋਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪਾਸਾ ਇੱਧਰ ਸੁੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਹ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਝੱਕ ਬੱਕ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਸਟੂਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸਮੇ ਟੋਟਲ? ਆਪ ਜਾਤੇ ਰਹਤੇ ਹੋ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਾ ਤੇ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ। तो यार इसमें जो सामान है इतने जाता है रोज हर बार के अलग अलग? ज्यादा भी जाता है, तो आज कम मेरे को लग रहा है रश, क्योंकि मैंने ना वीडियो वगैरह देखी है नेट पे, उस पे ज्यादा होता है कट ये रश है ना। अच्छा, कितने बंदे बैठ जाते हैं टोटल? 700 ऊपर नीचे मिलाकर? ऊपर तो और भी बैठते हैं। अच्छा, और बाइक भी ज्यादा में होता है, मतलब के मतलब फिर भी बंदों 250 की कैपेसिटी तो होगी बंदों में, है ना? अच्छा, आप यहीं से हो? नहीं, मैं गुवाहाटी से हूं। गुवाहाटी से, ठीक है। आप अभी कहाँ जा रहे हो फिर? मैं मानकाचा जा रहा हूं। स्टडी करते हो? हां, स्टडी करता हूं। ठीक है, तो वो पीछे जो कमरा बना है वो कौन सा है? कभी देखी है आपने बोट घूम के सारी? सारे नहीं देखी। हां, वो शायद वहां पर ये मशीन वगैरह है। अच्छा, कंट्रोल होता है। अच्छा, वहां पे ठीक। सिख ट्रैवलर, SIKH, उसके बाद ट्रैवलर। ਐ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਏ ਵੀ ਨੇ ਅੱਧੇ। ਇਹ ਬੋਟ ਟੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਐ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬੋਟ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਟਾ ਜਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਜਨ ਆ ਇੰਜਨ। ਅੱਛਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਓਏ ਯੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਦੀ ਦਾ ਜੀ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਯਾਰ ਬੋਟ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਹਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਚੁੱਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੈ ਬਾਈ,
पूरा टूर कराया मैं इंजन तक का भी किवें चलता। हुण मैं तुहानू उपरला पासा दिखाउणा, इह छत आ गई इहदी ते इह पिया समान सारा जिथे आपां पहलां खड़े सी। इह बाई किनारे ते बैठे ने हैना। जे तुसीं इधरले पासे आउणे हो इह वाला एक्सपीरियंस जरूर करके जायो बोट वाला। यार मैनू किसे ने दस्सिया सी, मैं फिर इह चीज़ ते बैठा नहीं, आपां तां बाय रोड जाण वाले आ। इधरले पासे ड्राइवर साहब ने इहदे थल्ले सी उह जिथे बाई इंजन चली जांदा सी ना, ते उह जिहड़ी जगह तुहानू मैं दिखा के लै के आया। ते आ ड्राइवर साहब ने, ड्राइवर अच्छा इधरों भी है माहौल है भाई। आला ये हैंडल है, ये हैंडल है अच्छा देख रहा भाई जान। अच्छा ते आला हैंडल है यार, ये हैंडल दे नाल कंट्रोल कर देनी। अच्छा ये वॉशरूम है। अच्छा यार बाथरूम की फैसिलिटी भी है कि है इधर भी ते इधरले पासे भी टॉयलेट है ना। अच्छा ठीक है। ते आ हैंडल है यार पूरा देसी जगाड़ लाया होया। ते आ लगया है इंडिया का झंडा। ठीक है यहाँ पे भी कोई है मशीनरी देखना। अच्छा ये गाने चल रहे हैं, ये मतलब अनाउंसमेंट के लिए है। ठीक है इंजन की स्पीड 1500 अच्छा आरपीएम है, 15000 आरपीएम है यार। स्पीड कहाँ पे लिखी उसकी, कितनी स्पीड पे जा रही है वो आरपीएम के हिसाब से स्पीड है इसकी। अच्छा आरपीएम 1500 ते है मतलब इहदा यार। ठीक है आ सारा लिखा होया इहदे उत्ते। अच्छा तो ये वाली क्या चीज है, गियर ने कितने गियर होते हैं इसमें टोटल? अप और डाउन, अप डाउन होता है, अप डाउन होता है बस। ठीक है बैक है अप में चल रहा है अभी। अच्छा अप में आगे जाएगी, बैक में पीछे जाएगी। अच्छा मतलब एक ही गियर होगा उसमें स्पीड अपने हिसाब से डालनी पड़ेगी। अच्छा दबाएंगे ऐसे ही बढ़ जाएगा। अच्छा ये करके बैक हो जाएगा। ठीक है भाई वैसे भी जिन्ना नु अगे नु प्रेस करागे उन्नी स्पीड बढ़ती है, बस दो ही गियर एक बैक ते एक आगे। ठीक तो स्पीड कहां से कंट्रोल करते हो? अच्छा हैंडल से ही, हैंडल से ही होगा। अच्छा ठीक है। यार ए भाई हो रहे ने अपनी वीडियो देखी सी, ऐतकी मजाक वाली गल नहीं हैगी। इन्होंने मैंने दस्सिया कि तुसीं पाकिस्तान दे विच जदों गुरुद्वारा साहिब दे विच गए सी ना, आपां करतारपुर साहिब गए आ, तां ओह वाला इन्होंने ब्लॉग देखिया सी। आपको मतलब सजेशन में आ गया था अपने आप ही? हां फेसबुक देखने के बाद आया है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू भरिया। मतलब अपनी दूर दूर तक वीडियो जाती है। ये मेरे फेवरेट लग रहे हैं मुझे हबीब भाई, ये देखो इनके साथ लग रहा है अच्छा। जिहड़ा जिहड़ा हुण तुहानू आपां थल्ले इंजन दिखा के लैके आए ना, उहदे विच पानी कढ रहे सी। उह पानी इक तरह दा यार रेडिएटर वास्ते काम करदा, जिवें कहिंदे इंजन गर्म हो जांदा ना तां उहदे वास्ते इक तरह दा कूलेंट दा काम करदा सी। उह पानी पखे नाल अंदर आई जांदा सी ते बाई उहनू बाहर कढी जांदे सी। पानी मतलब वारी वारी चली जांदा सी। आह सी उह बाई जिहड़े कढ रहे सी पानी, इह वाले बंदे सी उह। ते बाई नूं दस्सिया कि इत्थे काजूआं दे बदाम ने यार, अग्गे जा के काजूआं दे बाग ने, बदामां दे बाग ने। उह वी कहिंदे तुसीं देख लो प्रोसैसिंग किवें हुंदी आ, उहनां दी बणदे किवें ने, उह बाई होरां ने सानूं सारा दस्सिया। पिछले पास बोट का टूर सू करवाता हूँ, खात्मा कहानी है। छोटा जा इंजन ना जनरेटर जो वागू लग्या होया सी। ते हाँ जे आ जो डब्बे पे ने इन्हों सारिया मच्छियां ने, ते विच इन्हां दे बर्फ रखी हुई है, ते इन्हू भी अगे लैके जा रहे हैं कारोबार वास्ते। फिलहाल 10:21 हो जाए 22 मिनट, ते 8 बजे चली सी हम जिद रुकती होंगी किश्ती। बाई ने यह कंडा कर लिया नेड़े, ते सामने उस घाट जिहड़ा बनया होया उहदे उत्ते आपां उतरना। यार ये वाली जगह का कौन सा नाम है? इसका नाम है शुक्चर। शुक्चर शुक्चर है जी, शुक्चर। भाई कहना भी सामने जी जगह हैगी है, नाम है शुक्चर। कैसे? अच्छा वहां पे रुकेगी? ठीक है शुक्चर है सामने। भाई कहते उथे आप कंडा फसा के किश्ती रोक देना। ये साढ़े जहाज के थलो जो पानी कड़ रहे थे रेडिएटर वाला, यह भाई हो रही ने ड्राइवर उपर बैठे से। देखे भाई हो रहे हूँ आ के इतने सवारियां चक्कन आ गए, जिमें आप अगे टैक्सियां नहीं आ जाते रेलवे स्टेशन से, आटो आ जाते हैं भी जिन्हें जिथे जाना आ जाओ, तो उमें भाई हो रहे बाजा मार रहे हैं, बाग मारा जाना किसी ने तुरा जाना, तो यह बारे भाई सारे आटो वाले ने। भाई कहना परे हो जाओ, तो यह सारी बोट इधर खड़ी होगी भाई है ना। कंडा कुंडा नहीं सुट्टिया भाई ने, इन्होंने अं ढूही जी मारी ये ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਿੱਟੂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਚੱਕ
सारे साडे अज दे क्रूज दे को पैसेंजर ये हुण इत्थे उतर रहे सारे ते समान बाद चो लाया जाऊगा जिन्हां दा आपदा आपदा समान आ जिवें साडे कोल आपदे बैग ने जां मैट रूट ने ओह सानूं आप लाउणे पैणगे बाकी जिहड़े समान आले ने पैसा लिया थले लाउण दा ओह आप लाउणगे ते मतलब मोटरसाइकिल यही लाउणगे आपां सिर्फ आपदा लीडर लत्ता लावांगे थले जी ब्रह्मपुत्र नदी आप पार करके आए हैं ना ये भी आसाम के ही पैंती है इस टाइम भी आप आसाम च ही खड़े हाँ मनकाचापुर जगह पैंती है उतों मेघालय शुरू हो जाता तो आप अगे फिर तुरे न जावे सड़क के राह का आप हजे कोई पता नहीं है पर बाकी सानू बहुत बंदे ने कहा भी ये थोड़े मोटरसाइकिल जाने नहीं सूँ जा फिर मुश्किल आऊगी बाकी रब राखा आ सारे इतने आटो ने भाई समान समून लैके जाएंगे इतों अगे व्यापार वाला कारोबार चलता हूँ। लो जी मेघालय के जंगलों के आप एंटर कर गए हैं तो इतने ना सड़क बन रही है पिछे तो बड़ा बुरा हाल सी इतने माड़ी जी हजे मिट्टी मुट्टी नाल सड़क हजे बन रही है तो 12-13 किलोमीटर आ गए 12-13 किलोमीटर ही सड़क टुटी हुई सी उस्ताद जी उन्हां दा बैग खुल गया मगरों तो ना असीं सवेर की रोटी खाधी आ तो बस चाह पी जाने सानूं ऐ भी कितों रोटी मिले तो रोटी खाइए नहीं फिर मैगी मूगी लैके सैल्फ डिफेंस करना पैना वधिया रोड है ना वो सोहना लगता इतों आदि की लगता इतने 25 किलोमीटर घट्टो घट्ट असी जिथे सानू बोट ने किश्ती ने लाया सी ना उतों असी चलते चलते इतने पहुंचे तो आ हुण जाके सानू इतने पक्की सड़क मिली आ ते इतने जाके हुण असी राम रूम कर रहे हैं मैगी मूगी बना के खाने ते पहली बारी अज उद्घाटन होण लग्या मेरे वीरो उद्घाटन कहा जांदा इहनू नींह पत्थर रख के नाल उत्ते लिखा देना नाम स्टीकर स्टूकर पाड़ दी कदे बच्ची है बाल दी यार चढ़ाइया चढ़ते चढ़ते ना अज जिवें गल करके हटे भी मोटरसाइकिलों किसी ने नज़र लाती बाइक कहिंदा इह चढ़दे नहीं उही गल हो गई चैन ढिली हो गई असीं राह च कसाई तो चैन उतर गई सुखी हुण बाई नूं 15 किलोमीटर तो लैके आया इत्थे सानूं आ बाई मिले ने इन्हां बाईआं नूं ना नो हिंदी नो इंग्लिश ओनली गारो बोलदे ने बाई ते फोडा क्या नाम था वोडागिरी 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 कहिंदे पिंड दा नाम आ बहुत शांत माहौल ने यार इत्थे ते कोई रौला रप्पा नहीं कोई डीजे नहीं कोई होर नहीं चुपचाप बाई बैठे ने जिवें उह बाई सामणे खड़ा बस ऐ आपदी मस्ती जे विच खड़े नहीं हन कोई आउंदा इत्थे जे पिंड वाले बस स्टैंड दे अपने साथ च बुढ़े बैठे हुंदे ने दुपहरे बिना कम तों इह वी बेचारे कोई कम नहीं है कोई इत्थे जे बैठा कोई इत्थे जे बैठा क्योंकि इहनां दीआं लोड़ां घट ने फिर इहनां दे मतलब भजन भजाई वाला आपां जिवें भजदे फिरदे आ पैसे पिछे आ रहा बाई पेंटा पुंटा वाला कम इधर पूरा अगे जाके होर वध जाणा इह हुण ना असल दे विच रमज़ान दे रोज़े चलते ने ते दुकानां दुकूनां सारियां बंद सी सुखी दस रहा कहिंदा हाड़े मिंतां करके लैके आए आ बाई नूं ते मन्नदा नहीं सी इहदा मालक तां जमी नहीं मन्नदा सी जाण वास्ते भी तूं करना मतलब दुकानां बंद सी सारियां 15-20 किलोमीटर तो जाके सुखी हाड़े कट के लैके आया पैरां च पै के गोडे टेक के नक रगड़ के सुखी नूं मैं भाई बन के चल बड़ भाई बन के चल बड़ ऐ लैके आया भाई आपका नाम क्या है नेम 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 हां बता यार संग दा क्या है हैं रंखन अच्छा ओ भाई संग दा भज गया बाला टेढ़ा काम है यार इनो संतरा संतरा हैं संड्रा संड्रा ठीक है भाई दी जीन जीन इज वेरी ऑसम खतरनाक गलबात है भाई दी आपां नूं अगे हौली हौली मिलणगे जिवें आपां नूं साउथ च मिलदे रहे ने रंग रंग खान क्या नाम था रंग खान अच्छा खासा जीव नूं बल जा दे के बोलना पैंदा नाम मेघालय दे विच पता नहीं किहड़ी जगह दे उत्ते बैठे आ रंग थंग करके कोई जगह दा नाम आ ते सारा इन्हों को अंडे उंडे मीट मास मच्छियां होंदियां ने सारे कितने सानू कोई होर चीज़ मिली नहीं हुण असी कंबीनेशन बनाया भी रसगुल्लिया दे नाल असी चाह पीन लगे हैं फलवैरी हाँ रसगुल्ला हाँ रसगुल्ले दे नाल चाह पीन लगे हैं हुण ध्यान रखिए कितने फलवैरी ना करा लीए इधरले पासे सड़क जाती है जी विलियम नगर नूं ते आपां विलियम नगर अज आपां स्टे करना तो इधर आ छोटा जिहा खोखा बनया होया सी इह खोखे तो आपां लै ले मैगी दे पैकेट क्योंकि अज सवेर दी असी रोटी नहीं खाधी पहला एक मैगी खाधी है ते बाकी असी चाहां पीतियां ने इत्थों विलियम नगर जिथे असी जाना सारा 7 किलोमीटर रह गया टोटल 150 किलोमीटर दे नेड़े 150 नहीं 80 किलोमीटर बनता सी पर पहाड़ वाला राह होण करके इधर सारे पहाड़ ही पहाड़ ने
ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 5:30 ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 5:30 ਨੂੰ ਜਾਂ 6 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਣੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:00। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।